हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? सोचती हूँ सब भले होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे और होना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो आई स्टार्ट माय वीडियो हियर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, फर्स्ट टॉपिक इज माय स्पॉन्डाइटिस प्रॉब्लम and about my daily routine, a little bit about the pregnancy and the pregnant lady what they should do. And so first thing I will tell about my vlogs and my daily routine. So friends, आज मैं पूरा 8 बजे उठी। तो 8 बजे नहीं, 7 बजे उठी थी। तो मैं सोती थी। तो अभी मैं खाई, ब्रेकफास्ट हो गया मेरा और मैं अभी चाय अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये जो चाय है इसमें मैंने अदरक डाला है, क्योंकि मैंने किसी तो एक वीडियो में पढ़ा था कि अदरक अच्छा रहता है, तो अदरक वाला चाय भी अच्छा है। और वैसे मैं चीनी तो डालती हूँ, तो ऐसे ही मैं बिना चीनी के मैं पी रही हूँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर भी मैं पी रही हूँ। मेरे को चाय बगैर चाय के तो मेरा होता नहीं है। सुबह सुबह तो चाय तो ज़रूरी रहता है। तो आज अभी ये चले, ये इनका अभी 9 बजे इनको जाना था। बेटा आज गया नहीं, उसको आज एक्चुअली उसको स्कूल अभी ठीक से खुला नहीं है, बच्चे अभी आ नहीं रहे। तो अभी वो कुछ लिखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो थोड़ा हॉलीडे लिया है आज। ऐसे उसके क्लास तो है लेकिन क्लास में अभी आज के बच्चे नहीं आ रहे, तो इसीलिए वो ऐसे ही घर में अभी रुका है। तो आज तो वो नहीं गया स्कूल। तो मैं भी तो वो अपने कमरे में अभी है, उसका भी ब्रेकफास्ट हो गया है। तो सबके लिए मैंने आज उपमा बनाया था। उपमा तो सबके लिए एक सबके लिए तो उपमा एक ही बार में बना ली मैंने, तो दूसरा मैंने बनाया नहीं उपमा, तो इसीलिए उपमा मैंने बनाया था। और कुछ स्पेशल नहीं है उसके लिए। अंडा ऑमलेट मैंने बनाया था, सो तो उपमा के साथ ऑमलेट नहीं रहेगा तो वो खाएगा नहीं। ये भी जल्दी बोले कि मैं भी जल्दी खा लेता हूँ ना, वहाँ पे गए अभी जगह तो जल्दी आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे 1 बजे जल्दी आ जाएंगे, तो तब तक मैंने भी सोचा कि चलो मैं वीडियो ले लूँ। अभी तो मैंने को भी रील्स भी लेना है, उसके बाद दोपहर को 12 बजे तो मेरे को काम भी है, खाना बनाना है लंच, तो लंच का काम करूँगी। फिलहाल अभी मैं किचन एस्टरे क्लीन नहीं कर पाई क्योंकि हाथ में बहुत दर्द था और आँख में पता नहीं बहुत ही एकदम क्लियर दिख नहीं रहा था रात के 7 बजे 8 बजे ऐसे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे मेरा रील्स लेना ख़त्म हो गया, थोड़ी देर में वीडियो देख रही थी, तो उसके बाद जल्दी जाके मैंने कल का खाना मैंने बना लिया था। और उस वक्त मेरा बेटा भी थोड़ा पढ़ाई सब कर रहा था, तो ठीक है, तो मैंने जल्दी उसका पहले बना के उसको दे दिया, उसके बाद ये हम दोनों भी खाए। तो एस्टरडे जो हरे मूंग दाल का जो करी है ना, तो मैंने उसको टैपियोका के साथ मैंने बनाया था। तो उसमें टैपियोका के साथ बनाने से बहुत टेस्टी लगता है, तो खाली वो बनाया था। और फिर बेटे के लिए तो ऑमलेट एस्टरडे भी बनाया था। जब भी मैं खाना गरम कर रही थी
तो इस साइड पे ये मेरे को ऑमलेट बना के दे रहे थे, तो मैं जल्दी उसको बेटे को दे दी। तो ऑमलेट वैसे ऑमलेट खाली उसी को लिए बनाया था, फिर हम इन्होंने कर दिया हम लोग का ऐसे रहने दो। तो आज एस्टरडे हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे तो नहीं जा पाए, क्योंकि डॉक्टर तो संडे रहते नहीं हैं, तो संडे उनके घर पे जाके देखना पड़ेगा। तो आज उन्होंने कहा कि देखते हैं, अभी तो वीक वर्किंग डे सभी शुरू हो रहा है ना, तो आज उनको आज के दिन थोड़ा जल्दी है उनको, तो कल हम कल जाएंगे। देखते हैं हॉस्पिटल जाना है कि डॉक्टर के डिस्पेंसरी में जाना है या दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, ऐसे बोल के रखे हैं। तो फिलहाल तो दर्द को बहुत कुछ करके देखी मैं, लेकिन दर्द जा ही नहीं रहा, क्या करें। तो कंधा एकदम कंधे से लेकर पूरा हाथ के इस जगह तक दर्द कर रहा है, यहाँ पे हर जगह पे दर्द कर रहा है। आज भी सोते सोते तो 6 बजे तो मुझे दर्द शुरू हो गया था, तो मैं इधर कभी इधर लेट घूम रही, कभी इधर घूम के लेट रही। और मेरे को उठने से भी, क्योंकि कंधे पे पूरे मैं प्रेशर को करके ऐसे ही सो पाती, तो उठने में तकलीफ रहता है। तो सुबह सुबह आँख खुलना में तकलीफ होता है खुलने में। तो वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट लेना ज़रूरी है कहा था, लेकिन जब दर्द करता है तो कैसे रेस्ट लेंगे। तो कल रात को ही तो मैंने रात को में से जैसे वैसे जल्दी सो गए थे, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छी नींद आई थी। रात को 10 बजे 11 बजे में सो गई थी, मूवी देख रहे थे माय बॉस मलयालम मूवी, तो अच्छा था, कॉमेडी था। तो मैंने मूवी देख रही थी क्योंकि मैं सोची कि मूवी देखते वक्त माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दर्द कम हो जाएगा सोची, लेकिन फिर भी दर्द का कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी दर्द हो रहा। तो आज पता नहीं मैं क्या करूँगी। वैसे आज सुबह तो मैंने अपना सुबह का काम तो मेरा हो गया, थोड़ा मैंने बर्तन भी साफ़ किया, कल रात को तो साफ़ नहीं कर पाई थी, तो ये आज कुछ मेरे को हेल्प नहीं किए, कल एस्टरडे नाइट मेरे को हेल्प किए थे। अभी ये जल्दी गए हैं, अभी दोपहर को आएंगे 1 बजे, तो मैं 12 बजे चावल का सब मैं जल्दी बना लूँगी, बाकी का जो है वो ये करेंगे। मतलब मैंने करी तो बना के रखा था, दूसरा बैंगन का जो सब्जी साइड डिश रहता है ना, वारबू जो कहते हैं भाजी, बैंगन का जो तरकारी रहता है उसको मैंने बनाया था एस्टरडे, जैसे वो थोड़ा ही है, मैं आज भी उनको बोलूँगी कुछ दूसरा सब वेजिटेबल लाने के लिए, जैसे बीन्स हो गया, फिर तो दूसरा कुछ करेला भी बना सकते हैं। कॉलीफ्लावर हम लोग बनाते नहीं हैं ज़्यादा, तो कॉलीफ्लावर हमेशा हम लोग शाम के डिनर में बनाते हैं, उसका मंचूरियन कॉलीफ्लावर मंचूरियन जैसे बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा कैप्सिकम टमाटो छोटे छोटे पीसेस में काट के तो ग्रेवी में फ्राई ऐसे उसका मसाला बना के फिर वो ग्रेवी बना के फिर उसमें कॉलीफ्लावर फ्राई लास्ट में डालते हैं, गर्मा गर्म क्रिस्पी कॉलीफ्लावर उसमें जो फ्राई रहता है उसमें डालते हैं, टेस्ट रहता है। तो अभी मैं जब भी किचन में जाते हैं तो ये जल्दी जल्दी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो ठीक है अभी थोड़ा हेल्प कर रहा है। खैर मेरा ऐसा हाल है तो थोड़ा हेल्प तो करना ही पड़ेगा, तो
चाय में पी लेगी, नहीं तो वो भी वहाँ पे रह जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो पी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे जब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं एक्चुअली मेरा जो पहला जो पता चलने का जो जो प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा सेकेंड फर्स्ट एनिवर्सरी मेरा हो चुका था। फर्स्ट एनिवर्सरी अक्टूबर में था, तो अक्टूबर नवंबर ऐसे चल रहा था। तो वैसे दिसंबर में ऐसे ही कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है फ्रेंड्स। तो उस वक्त मेरे को सबसे पहले ऐसे यूरिन इन्फेक्शन जैसे हुआ था, तो उसके बाद ही मेरे को पेट में भी दर्द हो रहा था और पीरियड्स नहीं हो रहा था। तो उसी वक्त मैंने डॉक्टर्स ये कहे कि नहीं नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, दुखी भी हो रही थी कि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और वो वहाँ पे अकेले थे, मम्मी पापा यहाँ पे थे, मेरी जो सासू माँ वो भी यहाँ थी, और उनको समझाने का मेरे को एनर्जी भी नहीं था। तो किसी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी किसी तरह ये मेरे को डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। लास्ट में फिर हॉस्पिटल में गए, गायनेकोलॉजिस्ट को देखे, तो यूरिन टेस्ट किए, तो उसमें नेगेटिव आया। फिर उसके ऊपर से मैं डर गई। फिर भी मैंने हौसला बना रखा। मुझे तो पक्का पता था कि ये प्रेगनेंसी है करके। फिर मैं डॉक्टर के पास, मैंने जब इनसे कहा कि नहीं ये प्रेगनेंसी है, फिर इन्होंने मुझे ना गायनेकोलॉजिस्ट, पता नहीं इनको कैसे फील हुआ, कुछ तो फील हुआ, तो उन्होंने मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, एकदम फेमस डॉक्टर मस्कट में था, वो मीनाक्षी डॉक्टर थी, तो मलयाली थी, तो उसके पास लेके गई, चेकअप हुआ कि साउंड ऐसे पेट में ऐसे देखते हैं करके। वैसे ये बेचारी बोल रही है तो देखते हैं, बहुत बहुत बोल के मेरे को हंसा, मेरे ऊपर बहुत हंसे वैसे कि नहीं तुम प्रेगनेंट है, और तुमको कैसे पता चला तुम प्रेगनेंट हो, ऐसे करके मुझे बहुत टेस्ट वेस्ट किए। फिर लोग उस दिन जब टेस्ट किए तो टेस्ट में पता चल गया कि वो अंदर में कुछ है, हार्ट बीट है। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया था, हार्ट बीट का साउंड को सुना। सोचिए डायरेक्ट पहले वाले टाइम पे नहीं था, हार्ट बीट तक पहुंच गए थे उस वक्त मेरे सबको, और यूरिन टेस्ट में पता भी नहीं चला कि ऐसे कुछ है कर। फिर सेकेंड डे फिर से मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर से स्कैन अल्ट्रासाउंड मेरा स्कैन हुआ। तो सब डाउट के ऊपर हमले रहने से ना हम लोग मुंह बंद करके रहना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर कुछ डाउट है एंड तक फिर भी टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, फिर भी आपको टेस्ट करके देखना है, क्योंकि ये इसका ना पता नहीं कैसे तो हम लोग को पता चलता है। तो आप दो बार तीन बार चेक करके उनके बाद आप भरोसे पे रहना, और अच्छे से हॉस्पिटल में जाके पहला टेस्ट करो। बाद का जो सातवां आठवां महीना नॉर्मल कोई भी डिस्पेंसरी में जाके करने से प्रॉब्लम नहीं है। पाँच फिफ्थ और सिक्स फिर डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन दिया, पहले वाला इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा रेस्ट लेना है, ज़्यादा काम ना करें, वो अभी भी हुआ है ना, तो मैं एक महीना के बाद से दो चार वीक होने के बाद तुम थोड़ा काम करो। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम
फिर इन्होंने कहा, सभी बोल रहे कि खाना बनाते वक्त खाने बनाने का स्मेल सब तुमको पसंद नहीं आएगा, ऐसा करके मुझे लेटने के लिए कह रहे थे, रेस्ट लेने के लिए। लेकिन मैं रेस्ट नहीं ली, मैं रेस्ट की इसीलिए नहीं की कि सभी बोल रहे मेरे को ऐसा खाना खाना जब दूसरे बना रहे, गल्फ में रहते थे तो वहाँ पे दूसरे जब खाना बना रहे थे उसका जो स्मेल था, तो वहाँ पे ओमान में तो पता है ज़्यादातर नॉनवेज का ही स्मेल आता है, हर जगह फिश फ्राई हो सके, तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे फ्रिज में भी वहाँ पे फ्रोजन फिश वगैरह खरीदते हैं, फ्रोजन फिश और चिकन लेग सब फ्रोजन सब, उस वक्त वहाँ पे हम लोग चिकन रैक सब कुछ बहुत ही इतना अच्छे प्राइस में था कि हम लोग जब मर्जी आए। और वेजिटेबल्स तो बोलो नहीं, स्वीट कॉर्न वगैरह फिर स्प्रिंग ओनियन वगैरह सब बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्ट में, बहुत ही कम प्राइस में मिलते थे। और मेरे लिए तो क्या बोले, तो मैं हमेशा मैगी में मैगी जैसे खाना, मैगी तो वहाँ पे वैरायटी टाइप ऑफ मैगी मिलता था, इंडोमी वगैरह से, तो मैं जैसे डायबिटीज़ के हिसाब से मैं भी थोड़ा कंट्रोल करके वेजिटेबल सादा में जा रही थी, तो मैं भी उठ के खाने का स्मेल मुझे अच्छा लगा था। सभी बोले कि तुमको उल्टी आई, मुझे ज़्यादा उल्टी पुल्टी नहीं आ रहा था, बस मेरे माइंड में यही था कि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ रहे। बच्चे के लिए मैं दूध लेती थी और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा करके, ड्राई फ्रूट्स डेली के बेस में थोड़ा थोड़ा करके, दो काजू ले लिया, एक बादाम ले लिया, दो पिस्ता लिया ऐसे, और किशमिश वगैरह ये ऐसे खाती थी। तो और ग्रीन एप्पल्स, थोड़ा ग्रीन एप्पल हाफ काट के, हाफ ग्रीन एप्पल हाफ रेड एप्पल लेके खाती थी, ऐसे ऐसे मैं रूटीन देख रही थी। और दूध हमेशा कुमकुम का फूल डाल के मैं दूध पीती थी, और वो भी 11 बजे ऐसे कुछ पीती थी। ऐसे मेरा प्रेगनेंसी का पहला रूटीन मैं ले रही थी। और ये मेरे को हमेशा शाम को घूमने लेके जाते थे और बाहर होटल का खाना खाते थे, ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता था। ये तो घर पे आके कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसे फ्रोजन चिकन खरीदे तो चिकन को काट के हम चिकन करी बनाते हैं, एक ही चिकन खरीदते हैं, होल चिकन जो काटा नहीं रहता है तो उसको लेके आके हम लोग ही पूरा स्किन निकाल के काटते हैं। तो ऐसे डेली हम लोग करते थे, घूमने जाते थे तो कभी कभी आलू का परोठा बनवा ली, आलू का परोठा मिलता था चिकन के साथ या तो कॉलीफ्लावर मंचूरियन के साथ। वो वहाँ पे एक ढाबा रहता था, तो वहाँ पे जो आलू तंदूरी रोटी मिलती थी तो वो सब हम लोग खरीदते थे, और कल्बू बीच में जाके वहाँ पे आराम से बैठ के खाते थे। तो ऐसे ही मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं एंजॉय कर रही थी। फिर बाद में जब 5वां महीना हो रहा था, थोड़ा पेट आया था, तो उसके बाद 6 महीने में थोड़ा और तो बढ़ गया, बढ़ने लगा। फिर 7वें में, लेकिन जब प्रेग्नेंट होता है ना तो हमसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक से चलना, पकड़ के चलना, गिरना नहीं, ऐसे सब मेरे को बोल रहे थे। तो सावधानी बरतना, तुम्हारा पहला प्रेगनेंसी है ना, कुछ भी ज़रूरत है तो कहना, वो सभी बोलते थे। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसे क्या बोले, सब बोल रहे थे तो मुझे ज़्यादा ये लगा था। तो मैं सोच कब मैं प्रेगनेंसी मेरा हो जाएगा, कब मैं बच्चा मेरा पैदा हो जाएगा, तो मैं जल्दी से हो जाएगा तो मैं आराम से उछल कूद करूँगी, ऐसे सोच रही थी। तो इसीलिए मुझे प्रेगनेंसी में थोड़ा मेरे को दिक्कत भी हो रहा था, दिक्कत होता है वो माइंड में, तो माइंड तो ऐसे हम लोग साइकोलॉजिकली बहुत कुछ सोचने लगते हैं, तो ऐसे ऊपर से इनका थोड़ा झमेला, ये कुछ भी झमेला करे ना, जाओ तुम करो जो मर्जी है,
लेकिन मुझे भी मुझे माइंड में रखना ज़रूरी है तुम जितना भी कुछ भी करो। तो ऐसे कंटिन्यू हो रहा था, तो उनका भी कुछ कुछ झमेला चल रहा था, वो भी उसमें उस टाइम पे वो उसका भी प्रॉब्लम था। सभी साइकोलॉजिकली हम लोग को सभी उसको मेंटेन करना पड़ता है कि किसी को साइकोलॉजी उनका भी साइकोलॉजी भी तो रहता है ना, वो भी तो पहले बार पापा बना, तो उनका मेरा सभी मिला के हमको पहले से समझना चाहिए ये सब ऐसे होगा करके। तो मैं मुझे पहले से पता था कि ऐसे होगा करके, तो मैं उस हिसाब से बहुत ही केयरफुली सब कर रही थी। तो फ्रेंड्स, तो साइकोलॉजिकली माइंड में ऐसे लेडीज़ को कुछ ना कुछ रोना धोना सब रहता है, और कि लोग मुझे हमें ना कि हम लोग अभी सोच रहे हैं ना कि हम लोग को साइकोलॉजिकली हमारे फ्रेंड्स या हमारे बुज़ुर्ग हमें ट्रेन कर रहे, प्यार दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम लोग क्या सोचेंगे, ये लोग हम लोग को जान बूझ के सता रहे, ऐसे फीलिंग हो रहता है। तो मुझे भी ऐसे फीलिंग हो रहा था, तो मैं कुछ दूसरे का अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती थी। कभी मैं भजन सुनती थी, कभी मैं ड्राइंग करती थी, कुछ सीनरी वगैरह ड्राइंग, फूलों को ड्राइंग करती थी, तो उसी में मेरा माइंड हट जाता था। तो कलर्स ऐसे क्राफ्ट वगैरह देखती थी, करती थी, और रेसिपीज बहुत सारा रेसिपीज सुनती थी, और रेसिपीज में मुझे ऐसे पता चला कि डाइटिंग के बारे में, तो बहुत सारे डाइटिंग थे प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए। तो वैसे भी डॉक्टर एक ड्रिंक तो देते हैं वुमन्स का, एक ड्रिंक देते हैं मदर हॉलिक्स, ऐसे मदर हॉलिक्स नहीं था, कुछ और था, तो वो दिए थे हमको भी। तो हर लेडी को वो स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के टाइम पर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो तो तब का प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे, प्रेगनेंट लेडी क्या के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो उसके बाद तो अभी आज दोनों का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, बीच में मेरे चाय भी पीना हो गया फ्रेंड्स। अब तो मैं अभी आज का वीडियो में सोच रही हूँ, तो यही तक मैं करती हूँ। बाद में अभी मेरा डॉक्टर के पास, स्पॉन्डिलाइटिस का डॉक्टर के पास मेरा चेकअप होगा, तो उसके बाद क्या रिजल्ट होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।